And the beloved guests of today. Create an environment of rhythm. Thank you, all of you. उस विधाता की पहचान है इन द प्रोसेस मैं मिसेस मंजू सिंह प्रिंसिपल एरियल एस सनशाइन स्कूल. आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए था. हमारे स्कूल में जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनको ये बताना कि उनकी ज़िंदगी में ग्रैंड पेरेंट कितने ज़रूरी हैं और जो सपोर्ट जो प्यार जो हेल्प बच्चों को आज के ज़माने में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकता है वो किसी से नहीं मिल सकता है. तो बच्चों के बीच में ये बताना कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट का ख्याल रखना है, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखनी है ताकि वो आपके साथ आपको हर चीज़ में मदद कर सके. हम लोगों ने बच्चों ने डांस ड्रामा किया जिसमें उन्होंने बहुत सारे सीन 3 सीन किए. उसमें दिखाया कि अगर घर में बच्चे सिर्फ माता पिता पे निर्भर हों तो वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आजकल के माता पिता वर्किंग हैं. तो इसलिए हर घर में माता पिता के साथ अगर उनके दादा दादी नाना नानी को भी इन्वॉल्व किया जाए तो बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे. और हम लोगों ने एक पेरेंट्स के लिए फैशन शो भी रखा था जो थीम बेस्ड था जिसमें पेरेंट खुद आगे आए और उन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया और उन्होंने ये किया कि आकर के आज उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म किया. उसके साथ ही साथ अंत में जो दादाजी या नाना जी दादी जी जो थे वो आके अपना अनुभव बच्चों के साथ उन्होंने शेयर किया. सारे बच्चों को एक दादी माँ ने कहानी भी सुनाई ताकि छोटे बच्चे ये जान सकें कि ये कहानी जो है वो अपने दादी नानी से ही वो सुन सकते हैं. मंजू सिंह प्रिंसिपल एरियल एस सनशाइन. नमस्कार, मैं मिसेस चंद्रानी चैटर्जी. ये हमारा प्राइमरी सेक्शन का प्रोग्राम था नर्सरी से स्टैंडर्ड 2. हम बिलीव करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट में. सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, ऑलराउंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ अगर हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड हों, उनको नॉलेज हो कि क्या कल्चर हमें प्रोवाइड करना है, किस तरीके से हम बच्चों को एंथुजियाज्म सिखा सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम ऐसे कल्चर्ड पेरेंट्स हमारे बीच में रहे ताकि उनसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से ये सारी कल्चर जो है वो हमारे बच्चों तक भी पहुँच सके ताकि हमारा जो स्कूल है वो एक बहुत ही अच्छा स्कूल प्रमाइसिस बन सके. हमारा जो प्रोग्राम था उसका नाम था ग्रैंड पेरेंट्स नाइट. थीम जैसे कि नाम मैंने बताया ग्रैंड पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए था. और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंस क्या है जैसे मैम ने बताया ग्रैंड पेरेंट्स का हमारे लाइफ में, ना कि बच्चों के ना कि स्टूडेंट्स के बट हमारे भी एज अडल्ट कितने इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लिए, ये दिखाना हमारा मोटो था.